नमस्कार, मैं संतोष चकोर। आईपीएल 2019 के कल रात राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी को अंपायर से बहस करना काफी महंगा साबित हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को हरा कर ये मैच जीत लिया। ये काफी रोमांचक मैच था जो आखिरी गेंद तक चला। इसमें चेन्नई के बल्लेबाज सैंडर्स ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर चेन्नई को जीत दिला दी। धोनी की टीम ये मैच तो जीत गई, लेकिन धोनी के गलत व्यवहार के कारण उन पर जुर्माना भी लगाया गया। महेंद्र सिंह धोनी को अपनी मैच फीस का 50% जुर्माने के तौर पर देना होगा। धोनी का यह व्यवहार आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ माना गया है, इसी कारण धोनी पर यह जुर्माना लगाया गया है। और महेंद्र सिंह धोनी ने मैच के बाद अपनी गलती भी स्वीकार कर ली है। दरअसल ये घटना मैच के आखिरी ओवर की है, जब बेन स्टोक्स गेंदबाजी कर रहे थे। 20वें ओवर की चौथी गेंद पर अंपायर उल्लास गांधे ने बेन स्टोक्स की बीमर गेंद को नो बॉल करार दिया, लेकिन बाद में वे अपने फैसले से मुकर गए। इसके बाद सभी हैरान हो गए। क्रीज पर मौजूद खिलाड़ी रविंद्र जडेजा भी अंपायर से बातचीत करने लगे। इतने में ही डगआउट में बैठे महेंद्र सिंह धोनी भी मैदान में आ गए। धोनी ने इस पर दोनों अंपायरों से बहस की, लेकिन इसके बाद भी अंपायर ने अपना फैसला नहीं बदला। धोनी का इस तरीके से मैदान के बीच आना और अंपायर्स के साथ बहस करना, ये आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन था। इसी वजह से मैच के बाद धोनी पर जुर्माना लगाया गया। ये मैच आखिरी गेंद तक चला। जब आखिरी गेंद पर जीत के लिए 3 रन बनाने थे, तब चेन्नई के सैंडर्स ने छक्का मारकर यह मैच चेन्नई को जिता दिया।